वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी गुरुजी। मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज मैं आपके लिए एक बजट हाउस लेके आया हूं जो कि आपका बिल्कुल PR 7 रोड के ऊपर रहेगा जी, जो आपकी 240 एयरपोर्ट रोड रहेगी। सेक्टर 123 सनी एनक्लेव के ऊपर आपका ये आज का घर रहेगा जी। 2 BHK फ्लैट रहेगा आपका 115 गज में। बहुत ही स्पेशियस आपका ये घर रहने वाला है और प्राइस इसका बहुत ही कम रखा गया है एज़ कम्पेयर टू इसकी लोकेशन को देखते हुए, ताकि ये जो घर है आपके बजट में आ सके। इसके साथ ही आपको जो है आपकी ये जो PR 7 रोड है सीधी आपको चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है। हार्डली आपके 10 मिनट लगेंगे, 39 वेस्ट से आपकी जो है ये एयरपोर्ट रोड कनेक्ट करेगी। सो दिल्ली जम्मू हाईवे बिल्कुल आपका यहाँ पे पास में रहेगा। आपको वहाँ पे भी 15 मिनट लगेंगे जाने के लिए, जो यहाँ से आपकी ये PR 7 रोड निकलेगी। और बहुत सारी अमेनिटीज़ है, गेटेड सोसाइटी रहेगी आपकी, ये अंडरग्राउंड इसकी सारी वायरिंग रहेगी और बिल्कुल हाईवे के ऊपर रहने के कारण इसकी एप्रिसिएशन आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। सो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको लेके चलता हूँ अपने ऐसे खूबसूरत हाउस की। सो मैं एंटर कर चुका हूँ अपने फ्लैट में। एंटर करते सारे सबसे पहले तो आप देखिए कि आपका मेन फ्लश डोर रहेगा। फ्लश डोर के ऊपर आपका जो है यहाँ पे स्मार्ट लॉक हम गोदरेज की तरफ से दे रहे हैं, जिसको आप अपना पासवर्ड भी लगा सकते हैं और आपका जो एक स्मार्ट कार्ड मिलेगा उससे भी आप एक्सेस करके अपने घर को आप ओपन कर सकते हैं। सो मैं एंटर कर चुका हूँ अपने ड्राइंग रूम में। ड्राइंग रूम की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही स्पेशियस आपका ये ड्राइंग रूम रहने वाला है जी। जैसे कि मैंने आपको बोला था 115 गज है आपका, तो उसमें ये जो ड्राइंग रूम है आपका 12x21 का इसका जो है साइज़ रहेगा जी। यहाँ पे आप इजिली 9 सीटर सोफ़ा सेट अगर प्लेस भी करेंगे तो आपके पास यहाँ पे स्पेस बच जाती है। यहाँ पे आप अपना सोफ़ा कम बेड भी लगा सकते हैं। अगर आप इसको पार्टीशन करना चाहे तो पार्टीशन करके अगर आप पूजा रूम बनाना चाहे या स्टोर रूम बनाना चाहे या स्टडी रूम बनाना चाहे, आप कुछ भी इसको यूटिलाइज जैसे भी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। जो स्पेस आपके पास यहाँ पे काफ़ी है जी। उसके बाद यहाँ पे आपको हम विंडो दे रहे हैं एक बड़े साइज़ की, जिससे आप जो है बाहर का व्यू काफ़ी आपका अच्छा रह सकता है। यहाँ पे वेंटिलेशन आपकी यहाँ पे प्रॉपर रहेगी। सो फॉल सीलिंग की तरफ अगर मैं आपको लेके जाना चाहूँ तो बहुत ही सुंदर आपको यहाँ पे फॉल सीलिंग मिल रही है विद आपकी कॉम लाइट्स, LED लाइट्स के साथ प्रॉपर आपको यहाँ पे मिलेगी। वुडन का यहाँ पे काम किया गया है साथ में आपकी फॉल सीलिंग में, वहाँ पे भी आपको जो है LED लाइट्स मिलेगी, जिससे आपकी जो है ड्राइंग रूम की अपीयरेंस बहुत ही अच्छी आ रही है। आपको वॉलपेपर सेम एज इट इज़ मिलेगा, आपकी चॉइस का रहेगा। अगर आप कॉर्नर यूनिट लेते हैं, जैसे कि हम ये कॉर्नर यूनिट है, तो आपको यहाँ पे भी विंडो मिल जाएगी, जिससे आपकी 2 साइड विंडो रहेगी और आपके ड्राइंग रूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगी। यहाँ पे भी आप पार्टीशन कर सकते हैं। अगर आप ड्राइंग कम डाइनिंग रूम को पार्टीशन करना चाहे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आप वुडन का पार्टीशन करा के अपना डाइनिंग एरिया को सेपरेट कर सकते हैं। आपका इजीली जो है बड़े साइज़ का यहाँ पे डाइनिंग टेबल आ जाएगा। अगर आप 6 सीटर डाइनिंग टेबल लगाते हैं फिर भी आपके पास स्पेस बहुत ही बच जाती है। यहाँ पे फॉल सीलिंग की तरफ लेके जाना चाहूँगा, 2 फैन की प्रोविज़न आपको दी गई है, बीच में आपका शैंडलर आ जाएगा, जिससे आपकी जो है ड्राइंग कम डाइनिंग रूम की अपीयरेंस को और 4 चांद लग जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, यहाँ पे आपको एक LED पैनल मिलेगा। पूरे घर में आपको एक LED पैनल दे रहे हैं, वो आपकी चॉइस का तैयार हो जाएगा। माइके की चॉइस आपकी रहेगी, अगर आप ड्राइंग रूम में बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे ले सकते हैं, नहीं तो आप बेडरूम में भी ले सकते हैं। सो इसके साथ ही जो है मैं आपको किचन में लेके चलता हूँ। किचन भी बहुत ही स्पेशियस है जी, इतने कम साइज़ के उसमें आपको बहुत ही स्पेशियस किचन यहाँ पे मिल रहा है। 9x9 का आपका यहाँ पे किचन रहेगा। यू शेप में हम आपको किचन दे रहे हैं। ड्यूल कॉम्बिनेशन यहाँ पे किया गया है आपका, नीचे आपका वुडन का काम किया गया है, माइका यूज़ किया गया है, ऊपर आपका वाइट कलर का। प्रॉपर आपके जो है सॉफ्ट क्लोजर के साथ यहाँ पे ये सभी कैबिनेट्स रहने वाले हैं। काफ़ी आपकी स्ट्रॉन्ग क्वालिटी के साथ इसको बनाया गया है जी, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद ऊपर भी आपको कैबिनेट्स मिल जाएंगे अच्छी स्पेस के साथ, आपको स्पेस की कोई भी कमी नहीं रहेगी यहाँ पे। और ड्यूल सिंक हम आपको यहाँ पे दे रहे हैं, जो कि आपकी साउंडलेस रहेगी, आपकी यहाँ पे आवाज़ नहीं आएगी। जितनी ज़ोर से भी आप बर्तन फेंकेंगे तो आपकी सिंक से आवाज़ नहीं आएगी। जैगवार की आपके फिटिंग्स रहेंगी। गीज़र की आपको हमने प्रोविज़न दे दिया जी यहाँ पे। आपकी जो है अंडरग्राउंड वहाँ पे चिमनी की रहेगी। यहाँ पे आपकी जो है हमने रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस प्रोवाइड किया जी। इसके साथ ही मैं बढ़ता हूँ अपने फर्स्ट बेडरूम में मैं एंटर कर चुका हूँ। अगर इसके साइज़ की बात करूँ, 10.5x13 का इसका जो है आपका रूम साइज़ रहेगा। तो बहुत ही स्पेशियस जो है आपका ये रूम रहने वाला है जी। अगर आप अपना किंग साइज़ का बेड भी लगाते हैं तो आपके पास बहुत ही अच्छी स्पेस निकल के आएगी कि आप अपने जो है और भी सामान को यहाँ पर लगा सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पर आपके जो वार्डरोब्स आएंगे,
फुल लेंथ तक के आपके वार्डरोब्स रहेंगे, प्रॉपर सॉफ्ट क्लोजर के साथ आपके यहाँ पे कैबिनेट्स रहेंगे, आपको इंटरनल भी यहाँ पे ड्रॉअर्स मिल जाएगा, आप अपने टाइज हो गए, सॉक्स हो गए, हैंकरचीफ हो गए, उसको भी कैरी कर सकते हैं। नीचे आपको शू रैक मिल जाएंगे अच्छी स्पेस के साथ। फॉल सीलिंग की तरफ लेके चलता हूँ, यहाँ पे भी आपकी फॉल सीलिंग बहुत ही बेहतरीन मिलेगी। कॉम लाइट्स के साथ आप अपीयरेंस देख ही रहे हैं कितनी अच्छी आ रही है। इसके साथ ही जो हमारा अटैच वॉशरूम में आया हूँ मैं, 6x6 का आपका ये वॉशरूम है जी, और सभी आपकी जैगवार्स की फिटिंग्स रहेंगी यहाँ पे। वॉल माउंटिंग्स आपकी फिटिंग्स हैं जी, यहाँ पे आप अगर ग्लास का पार्टीशन करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। और आपको यहाँ पे जो टाइल्स हैं पूरी 10 फीट की हाइट तक आपकी यहाँ पे टाइल्स रहेंगी। इधर आपकी प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए आपको यहाँ पे खिड़की मिल जाएगी। सो ये था गाइज हमारा बेडरूम। इसके साथ ही जो है हमारे वॉशिंग एरिया को यहाँ पे जाने के लिए रास्ता रहेगा। सो वॉशिंग एरिया भी आपको बहुत ही स्पेशियस यहाँ पे मिल रहा है जी। माफ़ी चाहूँगा, हम नाइट व्यू ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी लाइट की कमी आएगी यहाँ पे। जब आप आएंगे तो आपको प्रॉपर दिख जाएगा कि कितना स्पेशियस आपका जो है वॉशिंग एरिया रहेगा। इसके साथ ही जो है अब मैं आपको सेकेंड बेडरूम में लेके चलता हूँ, जो कि आपका सेम साइज़ का रहेगा, 10.5x13 का। बहुत ही स्पेशियस आपको 2BHK में इतने बड़े साइज़ के जो हैं आपको बेडरूम मिल रहे हैं। सो यहाँ पे भी जो है आपके सेम हाइट के वार्डरोब्स रहेंगे, जिसमें आपको माइके की चॉइस मिल सकती है। आपके चॉइस का यहाँ पे माइका लग जाएगा, तो आप अगर स्लाइडिंग बनाना चाहते हैं तो स्लाइडिंग बना सकते हैं, जैसे भी आप बनाना चाहें, तो ये आपकी चॉइस का तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका बड़े साइज का LED पैनल आ जाएगा। सो आपके जो है बेड और LED पैनल के बीच में भी स्पेस रहेगी, क्योंकि रूम स्पेशियस है। ये आपको सेम एज इट इज मिलेगा। ड्रेसिंग एरिया आपका प्रॉपर यहाँ पे ड्रेसिंग एरिया रहेगा मिरर वर्क के साथ। साथ में आपकी यहाँ पे विंडो आ जाती है, जो कि आपकी ग्लास और वायर मैश रहेगी। वेंटिलेशन और आपकी जो है सनलाइट प्रॉपर रहेगी। फॉल सीलिंग आपको यहाँ पे जो है और भी अच्छी मिल रही है इस बेडरूम में आपको। इसके साथ ही जो है हमारा अनदर स्पेशियस वॉशरूम, जो आपका 6x6 का रहेगा ये वॉशरूम। इसमें टाइल्स चेंज की गई हैं, जो कि आपको फुल हाइट तक की मिलेंगी। यहाँ पे प्रॉपर आपकी जो है वॉशरूम में रोशनी रहेगी, क्योंकि हम ऊपर आपको LED लाइट्स दे रहे हैं। इसके साथ ही जो है जैगवार्स की आपकी फिटिंग्स रहेंगी सभी। यहाँ पे भी आप इजीली ग्लास का पार्टीशन करें, ड्राई और वेट के सेक्शन को अलग कर सकते हैं। सो गाइस, ये था हमारा आज का 2BHK फ्लैट। सो अगर मैं इसके बात करूँ, लोकेशन काफ़ी प्राइम है जी, और बहुत ही कम कीमत के ऊपर आपको ये मिल रहा है। अगर इसके प्राइस की मैं बात करूं, 30 लाख रुपीज़ 90,000 से इसका जो है प्राइस स्टार्ट हो रहा है जी। G+2 की इसकी कंस्ट्रक्शन है जी आपकी, और लोकेशन इसकी काफ़ी प्राइम है, जो कि आपको 240 एयरपोर्ट रोड के ऊपर मिल रही है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 3BHK, सो 3BHK भी आपका 3590 से इसमें आपको मिल जाएगा, जो कि आपका 130 गज में रहेगा। सो दोनों ऑप्शन आपके पास है, सेम काम उसमें भी किया होगा। जो भी आप चाहते हैं तो आप एक बार लाइव विजिट करिए। अगर आप 2BHK लेना चाहते हैं तो हमने दिखा दिए हैं, 3BHK भी इसके साथ में ही आपको मिल जाएंगे। सो मैं आपका दोस्त हरदीप सिंह आपसे विदा लेता हूँ, मिलूँगा आपको अगली वीडियो में। जिन्होंने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचे और आपके जो है सपनों का घर बन सके। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।